हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस। डीएमआरसी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट और विद लॉट्स ऑफ नॉलेज एंड लॉट्स ऑफ फैक्ट्स। और मैं साथ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा, तो आप पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। 4 में जोसेफ प्रीस्टली ने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन, और ये आप पिक में देख सकते हैं जोसेफ प्रीस्टली को। उसी तरह से जेड जैनसन ने माइक्रोफोन डिस्कवर किया था, माइक्रो क्या इन्वेंट किया था, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जेड जैनसन। स्विंटन ने क्या किया था, स्विंटन ने मिलिट्री टैंक का आविष्कार किया था, टैंक, तो टैंक स्विंटन ने किया। और मिड ऑफ 1830s में, 1835 1836 के आसपास कॉल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया, तो कॉल्ट ये हैं। और रिवॉल्वर जो है, रिवॉल्विंग गन जिसको बोलते हैं, वो कॉल्ट ने किया था, तो कॉल्ट एक कंपनी भी है जो रिवॉल्वर बनाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कब स्टैब्लिश हुआ और कब नेशनलाइज हुआ। तो स्टैब्लिश सबसे पहले तो सुन लीजिए, स्टैब्लिश कब हुआ, स्टैब्लिश हुआ था 1935 में, और ये हुआ था आरबीआई एक्ट 1934 का पास हुआ था। 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ, उसके तहत ये स्टैब्लिशमेंट हुआ, और ये हुआ जो है फर्स्ट अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश हुआ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद जो इसका ये भी पूछा जाता है कि जो आरबीआई का हेडक्वार्टर था वो पहले कहाँ था, कैलकटा, कैलकटा में पहला जो था आरबीआई का हेडक्वार्टर बनाया गया था। फिर 1937 में इसे शिफ्ट करके बॉम्बे कर दिया गया, तो और तब से ये वही है, तो बॉम्बे आरबीआई का हेडक्वार्टर। नाउ इस क्वेश्चन का जो नेशनलाइजेशन का जो बात है वो हुआ था 1 जनवरी 1945 को। तो 1 जनवरी 1945 को जो आरबीआई एक्ट ऑफ 1948 है, आई एम सॉरी दिस इज 1949, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, 1949 जो है तब उस 26, इट वॉज 1 जनवरी 1949 एक्चुअली, नॉट 26 जनवरी। तो ये है 1 जनवरी 1949, और इस दिन जो है एक एक्ट पास हुआ था आरबीआई का एक्ट 1948 का। उसके बाद 1 जनवरी 1945 को जो है आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया था। तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 1949। Now, सत्यमेव जयते इज नेशनल एम्बलम हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है सत्यमेव जयते, बहुत बार क्वेश्चन में ये आता है। तो हमारे एम्बलम में जो है, नेशनल एम्बलम है, उसमें सत्यमेव जयते का जिक्र है नीचे में, ये लिया गया है मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद जो है, तो हमारे जो वेद है 108 उपनिषद हमारे पास है जो अथर्ववेद के अंदर में आते हैं उपनिषद, तो उसके अंदर में है मुंडका उपनिषद, और वहां से लिया गया है सत्यमेव जयते का कॉन्सेप्ट। और देखिए जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में बहुत सारे फिलोसफिकल पोएम्स हैं, और मेडिटेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज, ये सब इंक्लूड करता है। और ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जिसमें बहुत सारे हिम्स थे, 1080 हिम्स। फिर सामवेद जिसमें म्यूजिकल कंपोजिशन शुरू हुआ, भारत का सांस्कृतिक म्यूजिक जो है कहते हैं सामवेद से शुरू हुआ। उसके बाद अथर्ववेद आया, फिर इस तरह से तो वेद हैं, और 4 वेद हैं, और फिर उपनिषद 108 हैं। तो ये सब चीज आपको एपिक्स है, महाभारत रामायण एपिक्स कहते हैं, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। Now, India is leading producer of which of the following? तो इंडिया में सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस होता है? इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है मिल्क, और मिल्क के साथ साथ जैसे जूट, JUTE, जूट, और टी, ये सब चीज का इंडिया मेजर प्रोड्यूसर। उसी तरीके से राइस का जो प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा राइस का वर्ल्ड में प्रोड्यूसर है चाइना। चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे आता है इंडिया, तो सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाय का। कॉटन का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना, और जो यूएसए है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो अगर एक्सपोर्टर पूछा जाए तो EXPORTER एक्सपोर्टर, तो ये होगा यूएसए, और चाइना है प्रोड्यूसर। कारपेट, कारपेट शिप के वूल से बनता है, तो ये हो जो है, ये ऑप्शन है जो आंसर होगा ईरान। तो ईरान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कारपेट्स का। नाउ टाइटन इज अ मून ऑफ विच प्लैनेट, देखिए कुछ मून्स आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, जैसे कि मार्स, मार्स के पास 2 मून है, ठीक है, मैं नाम बता देता हूं, आप लिख लें फोब्स, PHOBES, फोब्स, और जो दूसरा है वो है डाइमोस, DEIMOS, डाइमोस। ये मार्स के 2 मून्स हैं, और कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइटन जो मून है, टाइटन मून है सैटर्न का, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सेकेंड सबसे बड़ा मून है। सबसे बड़ा मून किसके पास है, जुपिटर के पास, जिसका नाम है गैनेमेडे, GANYMEDE, गैनेमेडे। तो ये सबसे बड़ा मून हमारे सोलर सिस्टम का है। और अगर पूछा जाए किन 2 प्लैनेट के पास मून नहीं है, तो हमारे सोलर सिस्टम का पहला 2 प्लैनेट जो वीनस, मरकरी और वीनस, इन दोनों के पास मून नहीं है।
और थर्ड लार्जेस्ट मून जो है वो है कैलिस्टो, वो भी जुपिटर का है। नाउ नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन वेरी इंपॉर्टेंट 12th जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज बर्थ डे ऑफ स्वामी विवेकानंद, और उसी दिन मनाते हैं नेशनल यूथ डे। क्यों मनाते हैं? देखिए, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये इंक्लूड किया गया 1984 को पहली बार, और उस साल से हर साल मनाते हैं इस दिन को, क्योंकि देखिए आइडियाज और फिलॉसफी जो थे विवेकानंद के वो यूथ के लिए बहुत इंस्पायरिंग थे, तो ये एक्सेलेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन है यूथ के लिए, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। 9th जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। इस दिन हमारे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे 1915 को, एग्जैक्ट डेट 9th जनवरी 1915, और उसके बाद उन्होंने सत्याग्रह वगैरह शुरू किया था, तो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, बॉम्बे पहले पहुंचे थे, तो इसलिए मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, और ये 2003 से शुरू किया गया है 2003 से। उसके बाद 15 जनवरी को मनाते हैं हम आर्मी डे, और उसी तरीके से 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे क्यों मनाते हैं? नेशनल साइंस डे के पीछे ये बात है कि सीवी रमन ने रमन इफेक्ट को खोजा था, और ये उन्होंने खोजा था 20th फरवरी 1930। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था फॉर फिजिक्स, टू गिव ऑनर एंड रिस्पेक्ट। ये चीज जो है इस दिन को साइंस डे के नाम से घोषित किया गया। नाउ ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड ऑन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1948 में 10th दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट्स डे के नाम से घोषित किया, तो ये है ह्यूमन राइट डे 10th। 1st दिसंबर को मनाते हैं हम एड्स डे, टू अवॉइड एड्स, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एड्स। एंड देखिए, इस बार जो 2016 में एड्स डे मनाया गया था उसका थीम क्या था? हैंड्स अप फॉर एचआईवी प्रिवेंशन, तो ये आप लिख लें हैंड्स अप, ये करंट अफेयर में भी आ सकता है, हैंड्स अप फॉर एचआईवी प्रिवेंशन, ह्यूमन एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं। और इसका एक और जो रेट्रोवायरस से ये होता है, और पहली बार आइडेंटिफाई हुआ था 1983 में। तो 4th दिसंबर जो है उस दिन हम नेवी डे मनाते हैं, और 7 दिसंबर को हम मनाते हैं फ्लैग डे। नाउ विच डांस स्टाइल इज एसोसिएटेड विद नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया से कौन सा डांस स्टाइल एसोसिएटेड है? देखिए, भरतनाट्यम ये रिलेटेड है तमिलनाडु से, सबको ही को पता होगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। कथकली ये रिलेटेड है केरला से, तो केरला। और कथक जो है नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम फोकस, और आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम और भी इस तरह के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच।